अमर दुबे के घर पे हूँ। ये वही अमर दुबे हैं जिनका विकास दुबे के साथ में एनकाउंटर किया गया। और अमर दुबे की पत्नी है खुशी दुबे, जो मात्र 3 दिन की ब्याही बहू थी और अभी जेल में है। घर पे सिर्फ अमर की दादी है, रो रो के बुरा हाल है उनका भी। कहना सिर्फ इतना ही है कि सब लोग साथ के थे, परिवार के थे, बस यही इतनी गलती रही। और बाद में 2 लड़कों को हमारे एनकाउंटर में मार दिया गया। बहू जेल में है, बेटा जेल में है और सभी लोग जेल में हैं। अब घर पे अकेले यही बुजुर्ग हैं। और गांव में वास्तव में विकास दुबे का खौफ इतना चरम पे था कि उनके सिवाय कोई प्रधान नहीं रहता था। अब की बार पहली दफ़ा ऐसा है कि विकास दुबे के घर का और विकास दुबे प्रधान नहीं है, वरना हमेशा से प्रधानी विकास दुबे के हाथ में होती थी। विकास दुबे की इससे पत्नी इससे पहले जिला पंचायत सदस्य थी ऋचा दुबे, लेकिन अब वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं मालूम। विकास दुबे के पिता कहाँ हैं वो भी किसी को कुछ नहीं मालूम। हम आज विकास दुबे के एनकाउंटर के 1 साल बाद इस बिकरू गांव में आए हैं। और ये बिकरू गांव उस समय चर्चा में आया था कि जब 8-8 पुलिस वालों की लाशें एक साथ गिरी थी। तो लोग तो मारे गए कार्रवाई में अलग है, लेकिन उनके पीछे अगर छूटा है कुछ तो वो बहुत बड़ा दर्द जो अपने पीछे शायद सालों सालों तक याद रखा जाएगा कि बिकरू गांव में कोई कांड हुआ था। जी हैं आप? नहीं, दादी। अच्छा, दादी हैं। माताजी तो जेल में। माताजी भी जेल में? जी, और वो विकलांग पिता है वो भी जेल में है। और इनका अतुल का लड़का वो भी जेल में है। और वो खुशी जो अमर की पत्नी थी वो भी जेल में है, वो वहाँ है बाराबंकी जेल में। सब जेल में है, बेटा हम अकेले हैं। कोई संबंध था इनका विकास से? है? विकास के साथ रहते हुए थे बेटा? साथ कोई नहीं रहता था। अब जैसे सभी लोग जिला पंचायत सदस्य थे या मान लो प्रधान थे तो सब लोग जाते थे, वैसे वो भी जाता था। सिर्फ निशानदेही के तौर पे? है? सिर्फ निशानदेही के तौर पर उठाए? हाँ बेटा, ये है कि वही हाल है कि गांव जबकि वो उस दिन घर में नहीं था। अच्छा। हाँ, वो शादी हुए 2-3 दिन हुए थे, तो पहले दिन सो बन गया, फिर कह लगा मम्मी हम जा रहे हैं, हमारे साथी लोग आए हैं तो हम जा रहे हैं कानपुर, तो वो कानपुर चला गया। और शाम को वो वापस नहीं आया, लेकिन भैया स्थक के तौर पर उसको ले लिया। अमर की शादी कब हुई भाई? हैं? अमर की शादी हो गई थी, मतलब 2-3 दिन हो गए थे। 29 तारीख को हुई थी। 29 जून होगा। हाँ बेटा, नहीं बेटा नहीं याद है, 29 थी। कई तारीख को उठाए गए हैं? कहना बेटा मैं याद नहीं, उठाए कहाँ गए वो? अच्छा। वो तो था ही नहीं घर में, उठाए तो गए माता पिता और अच्छा, बाद में खुशी उनको बाद में मारा 4-5 दिन बाद। अच्छा। उनको उठाया कम, वो था ही नहीं, मतलब एनकाउंटर किया है। हाँ वहाँ बेटा। खुशी के लिए कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र किसे कहा वहाँ नहीं गया? वो तो बेचारी बेटा हो। कोई हो घर में तो हम बताएं कि कितने किया, माता पिता ने उसके किया होगा। अब यहाँ कोई है तो आया नहीं हमारे पास। अच्छा, ये जो प्रवीण था बउआ आप ही घर के आदमी थे या नहीं थे, कि बउआ का परिवार कोई दूसरा है? नहीं, परिवार मेरी बहन का लड़का। अच्छा, आपकी बहन का लड़का? सगी बहन थी, बरगद के नीचे। हाँ, मतलब ये आपकी सगी बहन है। हाँ। इनका भी लड़का मार दिया गया? हाँ, उनका लड़का मार दिया गया। वो तो बेचारा क्या बताए, रुल बुल तो था, एक न साइकिल चला पाता था, कुछ कर नहीं पाया, उसको तो घर से ले गए पकड़ के। अच्छा। हाँ, घर से ले गए। विकलांग था ना? विकलांग तो मेरा लड़का था संजू दुबे। अच्छा, संजू इसको घर से पकड़ ले गए, वो विकलांग है, चल नहीं पाता था ठीक से। संजू जेल में है? हाँ, संजू जेल में। टोटल कई आदमी मारे गए हैं कम से कम, कुछ मालूम है? हाँ भाई बेटा, नहीं मालूम। अब गांव के जो मारे गए उनको मालूम है, प्रभात है,
राजेंद्र अवस्थी अवस्थी का। अच्छा, अवस्थी परिवार का लड़का है ना, प्रभात अवस्थी। हाँ प्रभात। और कौन है गांव का? गाँव के जाओ तो गाँव का कोई नहीं है, तू हमारे में। और एक प्रभात। प्रभात तीन और पता नहीं कहाँ। और पंडित है दुबे? ये हाँ, ये विकास नहीं, विकास है। और ये मेरी बहन का लड़का महुआ। ब्याह आती अभी उम्र कुछ नहीं थी उसकी। गांव में कैसा था? बहुत ज्यादा खौफ था इसका? पंडित जो विकास दुबे हैं, गांव बड़ा डराते धमकाते थे लोगों को या ऐसा कुछ? भैया हम कुछ नहीं बता सकते उनको, हम न जाते थे न मेरे यहाँ आते थे, बस इतना जरूर था कि खानदान था हमारा। अच्छा, आप लोग खानदानी ही रहते? खानदानी है सर, मतलब दुबे परिवार पूरे गांव में है। परिवार ये सब अनुराग दुबे सब खानदान में तो है सर। अच्छा, तो अनुरागो गए हैं अंदर? वे सब छोड़ दिए गए, इधर की बीवी छोड़ दिए गए, उनको नहीं पकड़ा, ना इनका किसी का नाम आया ना कुछ, जबकि लोगों के पास बंदूकें थी। अब पता नहीं किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन पकड़ने वाले यही लोग पकड़ लिए गए और इन लोगों को मारा गया। ये परिवार ये सब ये कस्तब कर छूट गए थे, फिर कोई नहीं पकड़ा। और ये गांव दूबे पर मतलब मिलता है विकास के लोगों की लड़ाई। अच्छा, इनकी लोगों लड़ाई रही विकास की, इसलिए घर वाले पकड़े गए। एक पार्टी छोड़ दी गई, एक पार्टी पकड़ दी गई।